इंग्लैंड वालों को पता चल गया कि क्रिकेट में बाप कौन है, ये आप लोगों को फुल आइडिया हो चुका है। ओके लव, बजा दिया पकड़ के, गुस्सा दिया, डंडा दे दिया पकड़ के, किधर गया हमारा डंडा? डंडा 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 बेटा, ये डेढ़ फुट का डंडा ना, ये डेढ़ फुट का डंडा, पूरा डेढ़ फुट का, पकड़ के बहन के स्टॉक के अंदर दे दिया है ना, बहन के स्टॉक, आदरा आदरा बहन के स्टॉक बाहर आदरा, अब ना तुझे पटका गया मारा है, किधर गया तेरा जोनी सिंस और बहन का स्टॉक और बहन का फोक्स और बहन का डकीट और ये डुकी डुकी बेटा, बजा दिया पकड़ के सबकी। ये ना दीप यादव के अगेंस्ट, इट्स नाउ आई मीन 2019 वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी ट्रबल किया उन्होंने, फिर अभी एशिया कप में किया, यहाँ पे आके इस साल कुलदीप की मिसबा 7 विकेट हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल एवरेज इज 8.57, इकोनॉमी रेट इज 3.33। Wow. I mean, it's like he's playing against people who actually can't see his read. तो क्या है? देख भी नहीं सकते आप। तो उसी में आप विकेट्स को उसकी बेशक 10 कर दें, लेकिन इकॉनमी को 3-6 पे तो ले जाएंगे। ये ये ये। So कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गुगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह लें या रिवर्स स्वीप कह लें या स्विच हिट कह लें, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि एक दफा वो ब्लॉक कर दिया है भारत ने इंग्लैंड की ऑप्शंस को, तो फिर उसके बाद कहानी आसान हो गई। इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है, इंडिया ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि 100 पे एक आउट और 198 के ऊपर 8 आउट हो चुके हुए हैं। अनबिलीवेबल, कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे हैं, मतलब कि एक ही दिन में कितनी दफा जीतोगे कुलदीप यादव? पहली 4 विकेट ही लेने वाला ये बंदा था, ना बुमराह, ना अश्विन, ना सिराज, ना जडेजा, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो हैं वो सनी देओल की तरह सामने आए और कहा, अबे वो बेन स्टोक्स, ये कुलदीप का हाथ है, जब मन करे तो एक दो सेशन में ही पंजा खोल देता है। हाँ भाई ने पंजा खोला और उसका असर यह है कि इंग्लैंड 218 पर 9-11 हो गई, मतलब 175 for 3, वहां से फिर 75 for 4, 75 for 5, फिर 6, 83 for 7, फिर 218 for 9 और 218 for 10। हमने कहा जी थैंक यू सो मच, अब हो गया बस। कमाल है यार, मतलब कुलदीप यादव आज अलग लेवल पर थे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिया। कुलदीप फास्टेस्ट इंडियन विकेट लेने वाले गेंदबाज है 50 बॉल के टर्म्स में, मतलब कुलदीप ने सिर्फ 1871 बॉलों में 50 विकेट निकाले हैं। अक्षर पटेल ने 2200 बॉलों का इस्तेमाल किया था, 2465 बॉलों में बुमराह ने कारनामा किया था, तो यहां पर वो उनसे आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा भी कई रिकॉर्ड जो कुलदीप ने बनाए, वो थर्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लिए, और ये भी अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है क्योंकि ये रिकॉर्ड भी संभव नहीं था। उनकी गेंद जो है आज 10-10 डिग्री टर्न हो रही थी और ये भी लोगों को हैरान कर रही थी कि यार इतनी ज्यादा बॉल कैसे टर्न हो रही है। कुलदीप यादव ने आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पिच पे डांस नहीं करवाया ना, कोई कसर नहीं छोड़ी है, इस हद की जो है वो बॉलिंग किया कुलदीप यादव ने। और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम 400 रन बड़े आराम के साथ बना लेगी, क्योंकि 100 रन पे पहला जो सेशन था उसमें 100 रन पे इंग्लैंड के टोटल 2 खिलाड़ी आउट थे और जैक कराली बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहा था और वो क्रीज पे मौजूद था। लेकिन जो दूसरा सेशन हुआ है ना, दूसरा सेशन इंडिया के नाम रहा भाई, और दूसरे सेशन में कुलदीप यादव, जडेजा और आर अश्विन ने मंजी ठोक के रख दिया इंग्लैंड की। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, 94 रन के अंदर 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। कुलदीप ने माविया क्या बोल्ड तो किया है भाई, कुलदीप ने तो एंड कर दिया। मैंने क्या बोला था, क्रॉले गया, मैंने बोला था 70 हो गई इसकी, अभी किसी भी टाइम पे इसकी विकेट आ सकती है। देखो मावे ने लिए थे 70 रुपए ही, मेरे भाई ऐसे थोड़ी ना प्रिडिक्शन करते हैं, अब लोग हमें पनौती बोले कुछ भी बोले, बोल्ड कैसा किया ये। अकेले जया क्रॉली को छोड़ गए, आप में से किसी ने रन भी नहीं किए, आपका पता भी नहीं आपने करना क्या है। इस विकेट के ऊपर भी, इस धर्मशाला की फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी, अगर आप भी ये जोनी सिंस और ये बहन के स्टोक और बहन के फोक्स और बहन के डकिट ये सारे नहीं चलेंगे तो पुत्र मेरे छनकने में आके चलेंगे। बहन स्टोक ने क्या स्टेटमेंट दिया परसों, ये स्टोक दे रहा था स्टेटमेंट कि हम आखिरी टेस्ट मैच जीत के इंडिया से खुशी खुशी वापस जाएंगे। पुत्र ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। उन्होंने आज आपका पकड़ के बजा दिया पकड़ के आपकी, आप सबकी पकड़ के बजा दिया आज इंडिया ने। क्या एक्सेप्शनल बॉलिंग किया कुलदीप यादव ने, क्या क्लास का वो बंदा बॉलर है, मतलब मजा आया था उसको देख के यार। कुलदीप यादव ने इस पूरी सीरीज में थ्रू आउट दी सीरीज एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, आज 175 में 3 आउट है, मुझ समेत हर बंदे को लग रहा है इंग्लैंड 350
350 तक जाएगा, लेकिन एक मोमेंट आता है 180 पे 8 हो जाते हैं, बजा देता पकड़ के कुलदीप यादव, बजा देता पकड़ के रविचंद्रन अश्विन अपने 100 टेस्ट मैच में एक्सेप्शनल बॉलिंग। अभी तो कैच ड्रॉप कर दिया था जावा जुरेल ने, जो है वो शुएब बशीरे का, उत्तर बशीरे का कैच छोड़ दिया, वरना ये तो गए थे। मतलब ये जो रन है अभी इसमें तो इन्होंने मेरा छनकना भी नहीं किया, ये तो गए, फारग हो गए, लिपट गए। बहन के स्टॉक क्यों तो कह रहा था उस दिन 135 पे 2 आउट थे और अभी 194 पे अगर देखा जाए तो जो है वो इंग्लैंड के टी टाइम तक जो है वो 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और क्या ही जो है कमाल की जो है बॉलिंग देखने को मिली है इंडिया की जानब से। पहले बेन डकेट की बात करें, कुलदीप यादव ने आउट किया और क्या लाजवाब किस्म का वो कैच पकड़ा है यार शुभमन गिल ने, लाजवाब इस सीरीज का सबसे बेहतरीन कैच वो था, अगर ये कहा जाए ना तो कुछ गलत नहीं होगा। शुभमन गिल हमेशा स्लिप में नजर आते हैं, लेकिन ये आगे भी जो आप बहुत कमाल की जो है ये फील्ड करते हैं, मैदान में कहीं भी इनको खड़ा करें ना शुभमन गिल को, ये बहुत कमाल का ये फील्डर है। और आज का जो कैच था ना, एक अनबिलीवेबल कैच था, तारीफ के काबिल वो कैच था। फिर बेन डकेट जो है ये कहता है कि हमसे जो है इंडिया वाले बैस बॉल सीखते हैं, लेकिन इसको पूरी सीरीज में एक मैच में थोड़ा सा इसने बैस बॉल खेला, बाकी इसको किसी ने मौका ही नहीं दिया, चले ही नहीं दिया। आज भी जो 58 बॉलों में 27 रन 46 के स्ट्राइक रेट से खेल के जनाब आउट हुए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ओली पॉप की बात करें, कुलदीप यादव ने स्टंप आउट इसको किया, और अगर देखा जाए तो 22.2 ओवर्स जब हुए थे तो पीछे से जो है वो ध्रुव जुरेल ने कुलदीप यादव को कहा कि आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, और अगले ही बॉल पे जो है ओली पॉप जो आगे बढ़ के शॉट खेलने गया और पीछे से स्टंप आउट कर दिया। ये होती है बॉलर और कीपर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग। तो गए फर्क हो गए, लिपट गए। बहन के स्टॉक क्यों तो कह रहा था उस दिन हम आखिरी वी इस वीक में खुशी खुशी वापस जाएंगे। पुत्र ये पाकिस्तान नहीं है बेटा, पकड़ के ना पकड़ के बजा दिया छनकना, आपका छनकना बजा दिया पकड़ के, क्योंकि आप इंडिया की इस ग्रेटनेस इस एक्सेप्शनल बॉलिंग लाइन आप क्या दे रहे हो। अभी बुमराह ने कुछ नहीं किया, अभी सिराज ने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ एक बंदे ने किया, उसका नाम है कुलदीप यादव, उसने पकड़ के बजा दिया, उसने पकड़ के घुसा दिया। 175 पे 3 आउट है, मतलब 350 वाला काम पक्का था, लेकिन अगर 350 से किसी ने रोक ठोक डाली है, 350 के ऊपर आके किसी ने रोका, तो उसको नाम है कुलदीप यादव। क्या रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, ये इंडिया की क्लास है यार, इंडिया की टीम ही क्लास है। अब क्या क्या हीरे लेके आते हो, कभी बुमराह आता है वो एक्सपायर में मैच बदल लेता है, कभी शामी आता है सॉरी कभी सिराज आता है, कभी आकाश दीप आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, मतलब कभी जडेजा आके मैच बदल देता है, कभी जब आके अभी चंद अश्विन मैच बदल देता है। आज कुलदीप यादव ने पकड़ के बजा दिया इनकी, कुलदीप यादव ने अब क्या किया, बहन के स्टोक ने क्या किया, अब बहन के स्टोक ने इसको LBW भेजा ना, प्रॉपर फंसा के बहन के स्टोक आउट किया। ये बहन का स्टोक, ये अगर ये इसके अंदर है बहन का स्टोक, ये डाकिया क्या कर लिया, बहन का स्टोक ये अंदर, ये काला काला बहन का स्टोक है, ये है बहन का स्टोक। उतर ये तेरे बस का रोग नहीं है। रोहित शर्मा ने ठीक जवाब दिया ना उसको, बहन के डकिट को, कि आपने फिर वो देखा नहीं हमारा ऋषभ पंत, वो प्रॉपर बैस बॉल खेलता था, उसको कहते हैं ये जो आप आजकल खेल रहे हो ना, ये मम्मी डैडी खेल है, उतर ये इनसे दूर हो जाओ वरना पकड़ के बजा देंगे उधर ही आप सबको। इंग्लैंड ने किया गया 79 अगर मैं निकाल दूं जैक क्रॉली के, यार इनमें से जैक क्रॉली रन करता है, बाकी फुदर कोई भी रन नहीं कर रहा। बैन के डकेट 27, कुलदीप यादव ने पड़क दिया ओली पॉप। तो दोस्तों इंडिया वर्सेज इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच और आखिरी टेस्ट मैच, और इस मैच में इंग्लैंड ने 218 रन ही बनाए हैं और पूरी की पूरी टीम जो ऑल आउट हो चुकी है। इंडिया की तरफ से बहुत ही शानदार बॉलिंग देखने को मिली है, कुलदीप यादव अश्विन और जडेजा ने मिलकर, तीनों ने मिलकर भाई इंग्लैंड को जो है 218 रन के ऊपर समेट दिया है और उनका जो बोरिया बिस्तर बांध कर पैक कर दिया है। और अभी इंडिया की जो है इनिंग चल रही है, इंडिया ने 135 रन बनाए हैं एक विकेट के ऊपर, एक विकेट गई है जायसवाल की, 57 उन्होंने बनाया है, और हमारे जो कैप्टन है रोहित शर्मा वो 52 के ऊपर चल रहे हैं, नॉट आउट हैं। तो कल जैसे मैच ये शुरू होगा, आज का सेशन एंड हो चुका है, कल जैसे मैच शुरू होगा तो ये जल्दी शायद 1-1.5 घंटे में ही इस मैच को जो है ख़त्म करके ये 5वां टेस्ट मैच जो है जीत लेंगे और ये सीरीज भी जीत लेंगे। सीरीज तो पहले जीत चुके हैं, 3-1 से आगे हैं, ये 4-1 से आगे होके मतलब ये सीरीज को विन कर लेंगे। तो भाई ज़बरदस्त बॉलिंग थी कुलदीप यादव की, हालांकि इंग्लैंड ने शुरू में स्टार्टिंग अच्छी की थी, अच्छा स्कोर खींचा था, लेकिन 200 पहुँचते इनकी लगभग ये इनकी 8 विकेट उड़ा दी थी, और कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो निभाया है और उन्होंने ही जल्दी जल्दी विकेट चटके हैं।
फिर अश्विन ने भी भाई 4 विकेट झटके हैं और जडेजा ने 1 विकेट झटका है, जिसकी वजह से भाई इंग्लैंड की टीम में धराशायी हो गई और ये मैच खत्म हो गया। और अब इंडिया की बारी चल रही है, कल आराम से जीत जाएंगे, 135 के ऊपर 1 विकेट है और इंडिया ये सीरीज जीत चुकी है। तो दोस्तों इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज थी बहुत ही शानदार रही है, हालांकि जो पहला मैच था वो इंग्लैंड जीती थी, उसके बाद इंडिया ने जो है इंग्लैंड को आगे नहीं निकलने दिया और इस सीरीज़ के अंदर जायसवाल ने भाई डबल सेंचुरीज ठोकी है, तो बहुत ही अच्छी सीरीज रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।